हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई वेलकम टू ऑल, दिस इज़ अजय एंड नाउ यू आर वॉचिंग केकेएसएसवी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है और ये मेटल नॉन मेटल का पार्ट टू है। और मेटल नॉन मेटल को हमने 4 से 5 क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। अब आपने कहाँ से तैयारी करी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर आपको तैयारी अच्छी करनी है अपनी प्रिपरेशन, तो आपको एमसीक्यूज़ भी लगाने पड़ेंगे। अब आप देखते हैं कि एमसीक्यूज़ कितने कर पाते हो अगर आपने अच्छे जगह से पढ़ा है। हालांकि सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा नहीं पढ़ाया, तो कहीं से भी पढ़ा सबने अच्छा पढ़ाया होगा। तो अगर आपने अच्छा पढ़ा तो आपके एमसीक्यूज़ भी आपको मोस्ट ऑफ द आते होंगे। आपको ये प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही आपकी सिलेक्शन होगी। तो ये हमारे कोर्स का सबसे मेन पार्ट था। हम लोग एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ हम खुद करवाने वाले हैं, और एमसीक्यूज़ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। इसमें हमें 10-10 साल के पुराने पेपर देखने पड़ते हैं, नए क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं वो सब करने पड़ते हैं, ठीक है। बाकी जो भी पेड बच्चे हैं उन सबको आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, सेक्शनल मॉक भी मिलेंगे चैप्टर वाइज, और आपको लगभग जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं वो चैप्टर वाइज वो भी हम खुद करवाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी बच्चा हमें यूट्यूब पे देख रहा है, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आते ही अपडेट मिल जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी इसका PDF नहीं मिलेगा यूट्यूब वालों को, आपको साथ साथ इसके नोट्स बनाने हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, जितने भी लेक्चर्स हमारे होंगे एमसीक्यूज़ के। सो है JNK के बच्चे भी कॉम्पिटिटिव में फॉल करें, अच्छे से कॉम्पिटिटिव करें, जो बच्चा मेहनत करेगा वो सिलेक्शन लेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो 31 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है ऐसा कौन सी चीज़ है जो वेल्डिंग करने के काम आता है, कोई भी आयरन का पीस उसको जोड़ने में, कोई भी मशीन के पार्ट को वेल्डिंग करना, तो कौन सा चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसका आंसर होगा आपका एल्यूमिनियम पाउडर। तो ये आपको याद रखना है और इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। टिप ऑफ द मैच स्टिक कंटेंस, जो आपकी माचिस होती है उसके आगे जो टिप होती है जो आप जलाते हो, वो किसकी बनी होती है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने आपको मेटल नॉन मेटल में। आंसर रहेगा आपका रेड फास्फोरस, ठीक है। रेड वाइट ये ब्लैक मैंने आपको पढ़ाए थे, इसमें जो वाइट होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, याद रखना इसको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस इन द एटमोसफेयर। इनर्ट गैस कौन सी होती हैं, नॉबल गैस इसको बोलते हैं। कौन सी गैस, नॉबल गैस इसको बोलते हैं, नॉबल गैस। नॉबल गैस कौन कौन सी होती हैं लिख लो एक बार। एक होती है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 होता है, फिर आती है आपकी नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 होता है, फिर आती है आपकी आर्गन, एटॉमिक नंबर 18 होता है, फिर आती होगी आपकी नेक्स्ट, देखो आप, ओ सॉरी ये मिट गया, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, रुको एक मिनट वेट करो। चलिए इसका आंसर भी आपको बता देते हैं, जो सबसे एटमोसफेयर के अंदर, ठीक है, इसका स्पेलिंग ठीक कर दीजिए, इसको ऑफ कर दीजिए, एटमोसफेयर, ठीक है। यहाँ पे मैंने नॉबल गैस को आपको दे दिया स्क्रीन पे, देखिए सबसे पहले जो नॉबल गैस है वो आपकी हीलियम, इसी को इनर्ट गैसेस बोलते हैं। हीलियम है एक नॉबल गैस, दूसरी आपकी नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, आर्गन है, फिर क्रिप्टॉन है, देन उसके बाद है आपका जीनॉन, देन रेडॉन। तो ये 3 आपकी और 6 आपकी एटॉमिक गैस है जिसको इनर्ट गैसेस बोलते हैं। इसमें जो आपको इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, देखिए वो क्या याद रखनी है, जो आपकी आर्गन है, आर्गन ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, सबसे ज़्यादा होती है इसमें। ये कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा। देखो नॉबल गैसेस की एक प्रॉपर्टी होती है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि इनका शेल कंप्लीट होता है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, क्योंकि इनका शेल कंप्लीट होता है, ये रिएक्टिव नहीं होती हैं गैसेस, ठीक है, ये इनर्ट गैसेस होती हैं सारी। इसमें आपको बताना है सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सी होती है, आर्गन होती है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 35 की तरफ। जो ग्रीन कलर होता है आपका फायरबर्ग डिस्प्लेस ड्यू टू द क्लोरीन साल्ट ऑफ, तो इसमें ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, ठीक है, ये आपको बताना है ऑप्शन में। देखो ये भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा हुआ है, चलिए कुछ क्वेश्चनों के एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं। बोला ग्रीन कलर सीन इन द फायरवर्क डिस्प्ले इज ड्यू टू द क्लोराइड साल्ट ऑफ, जो क्लोराइड साल्ट ऑफ किसका होता है जिसकी वजह से आपका फायरवर्क में कैसा ग्रीन कलर आता है, तो उसका आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन, द
दैट इज़ बेरियम, दैट इज बेरियम। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, इसलिए आपको हम MCQs करवाते हैं, सो एज़ आपकी प्रिपरेशन सबसे अच्छे से हो जाए और कुछ भी नहीं बचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 36 क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल देखिए, आर्टिफिशियल बीच में स्पेलिंग मिस्टेक है प्रिंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, लिक्विड केमिकल यूज फॉर द आर्टिफिशियल रेन आर क्लाउड सीडिंग, जो आपकी नकली बादल करवाने के लिए एक केमिकल यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, उस केमिकल का नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए ये ओलंपिक में एक बार चाइना में इसको यूज़ भी किया था। ठीक है, तो इसका आंसर है सिल्वर आयोडाइन बिल्कुल करते हैं, सोडियम क्लोराइड बिल्कुल करते हैं, ड्राई आइस बिल्कुल करते हैं। ड्राई आइस किसको बोलते हैं, ड्राई आइस किसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को भी क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जब भी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव आएगा तो 99% चांस यही होता है आंसर। ठीक है, तो आप आंसर लगा सकते हो, इसके साथ जा सकते हो। चलिए आगे बोला है, विच गैस इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, जो आपका आग बुझाने वाला जो लगा होता है पेट्रोल पंप वगैरह और सिलेंडर, उसके अंदर कौन सी गैस होती है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट ईयर में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी आया था, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसके अंदर, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो क्या होता है उसका फार्मूला, उसका फार्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड फार्मूला होता है CO खाली, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। ठीक है, आपको ये याद रखना है। देखिए ड्राई आइस आ गया, अभी मैंने जस्ट आपको बताया, तो ड्राई आइस किसको बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस फॉर्म में ना हो सॉलिड फॉर्म में होती है उसको बोलते हैं ड्राई आइस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए बोल रहे कि डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्पैक्ट, इट इज क्रिस्टलाइन नेचर, देयर ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट इन इट, नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। देखो जब भी किसी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जब भी किसी मैटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो करंट को कंडक्ट करेगा, क्योंकि करंट को कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, वो भी फ्री। तभी वो जब हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जब हम वोल्टेज देते हैं तो वो उसमें चार्ज जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो करंट जनरेट नहीं होगा, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसलिए क्या होता है वो आपका वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, डायमंड से आपका इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। तो ये मैंने आपको मेटल नॉन मेटल में बहुत अच्छे से इनकी प्रॉपर्टी बताई थी। व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ हैवी वाटर, तो DO2 याद रखना, D2O। ठीक है, इसका आंसर याद रखना D2O, ये हैवी वाटर होता है। चलिए आगे देखिए, ये फॉर्मूले सही कर लेना, ये H2SO4 नंबर है नीचे है, H2O D2O। ठीक है, ये नीचे है तो इस पर टाइप नहीं हुआ था इसलिए मोबाइल पर किया था टाइपिंग। चलिए विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर, तो जो पानी होता है समुंदर का उसमें से कौन सा मेटल निकाला जाता है, हाइड्रोजन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम या बेरिलियम। तो आंसर होगा आपका मैग्नीशियम। ठीक है, सी वाटर से कौन सा मेटल निकाला जाता है, मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन करवाया था परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल, तो आंसर आपको देना, मैं नहीं बता रहा इसका क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर लिख भी दिया वैसे नोट्स में। विच सिल्वर साल्ट इज यूज फॉर मेकिंग फिल्म ऑफ फोटोग्राफी, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर ब्रोमाइड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉमन साल्ट मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया था, कॉमन साल्ट किसको बोलते हैं, तो कॉमन साल्ट कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम एल्युमिनियम क्लोराइड। तो आंसर है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl इसका फॉर्मूला होता है, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो याद रखना फॉर्मूला भी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, सोडियम कार्बोनेट कॉमनली नोन एज, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो पहले होता है आपका सोडियम Na2HCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, उसमें से H हट जाता है। तो पहले नंबर पे आता है, इसको जब हम
हीट वगैरह करते हैं तब ये होता है, एचएट तब। पहले बनता हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, और जैसे इसका हम यूज़ कर लेते हैं फिर हम इसको कपड़े धोने के काम लगाते हैं, तब बाद में बनेगा वॉशिंग। तो याद रखना एच हटते ही हम कपड़े धोने के काम में लगा लेते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है NaCO3, ये किसका फॉर्मूला है, ये पहले बेकिंग बनता है, पहले बेकिंग बनता है, खाने के काम आता है, फिर हम इसको वॉशिंग में यूज़ करेंगे, और आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ। तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसका आंसर है बी, सोडियम कार्बोनेट। हाँ अभी मैंने जस्ट बताया ना, इसका आंसर ए होगा, बी होगा, क्यों, क्योंकि ये सोडियम कार्बोनेट दूसरे वाला है, एच हट के ये आया है, और अगर एच नहीं होता सोडियम बाई कार्बोनेट होता, जैसे क्वेश्चन अगला देखिए, सोडियम बाई कार्बोनेट, तो बाई कार्बोनेट में एच है, तो पहले हम क्या करते हैं, खाते हैं, और धोते तो हम बाद में जब एच हट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ब्लीचिंग एजेंट कौन सा होता है, तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्लोरीन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, क्लोरीन आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइट फॉस्फोरस इज प्लेस्ड अंडर द, जो वाइट फॉस्फोरस होता है उसको किसके अंदर रखा जाता है, मैंने पहले ही बताया था कि वाइट, ब्लैक, रेड, ये फॉस्फोरस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए थे आपको, और जो वाइट फॉस्फोरस होता है, मैंने अभी बताया था क्वेश्चन, जब मैं पहले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था तब मैंने आपको बताया था, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको किसके अंडर रखा जाता है, अमोनिया के अंदर, कोल्ड वाटर के अंदर, अल्कोहल के अंदर, या कैरोसिन के अंदर, तो इसका आंसर लिख लो आप, पानी के अंदर इसको रखा जाता है, और कैरोसिन के अंदर क्या रखा जाता है, कैरोसिन के अंदर आपका सोडियम मैटर रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किंग ऑफ मेटल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, गोल्ड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, इल्यूमिनेशन ऑफ मेटल इज कास्ड बाय द, इल्यूमिनेशन क्या होता है, बोलता है कि मैटर की चमक किसकी वजह से होती है, मैंने आपको मैटर की प्रॉपर्टी बताई थी ना, क्या क्या होती है, डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है, उसके बाद वो चमक देता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और लेड होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी, मेटल ऐसा इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, तो किसकी वजह से होता है, मैंने पहले ही बताया था, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। आंसर देखिए कहाँ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो सी ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, मैंने एक्सप्लेनेशन भी इसका लिखा हुआ है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कि हैवी मेटल गॉट देयर नेम्स बिकॉज कंपेयर टू अदर एटम्स दे हैव, जो हैवी मेटल होता है उसका नेम हैवी मेटल इसके बोला है, क्यों बोला जाता है बाकी बलों से कंपैरिजन में, क्या हो उसका क्या ज़्यादा होता है जिसको हम हैवी मेटल्स बोलते हैं, क्या उसका हायर एटॉमिक मास होता है, क्या उसका हायर एटॉमिक रेडी होता है, उसकी हायर डेंसिटी होती है, तो हायर डेंसिटी ही इस क्वेश्चन का आंसर होता है, जिसकी डेंसिटी जितनी हाई होगी उतना ज़्यादा उसका वेट होता चला जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सी ऑप्शन ही इसका आंसर है। चलिए इसमें से कौन सा बैड कंडक्टर है, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि लेड एक ऐसा मेटल है जो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए आंसर आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड, तो मैंने आपको मेटल नॉन मेटल में एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी बताई थी, तो इसका आंसर भी एल्यूमिनियम है। आगे बढ़ते हैं, एल्यूमिनियम इज द मेटल ऑफ द प्रॉपर्टी सर बाय द रस्टिंग विद इट्स ओन लेयर ऑफ ऑक्साइड, तो अपनी ही लेयर इस पर चढ़ा लेता है, तो मैंने बताया था आपको मेटल नॉन मेटल में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैनॉट बी यूज एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कौन सा इसमें मेटल है जिसको हम लोग एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको पता है कौन सी चीज़ मैग्नेट से नहीं चिपकती, आयरन चिपक जाता है, कोबाल्ट निकल चिपक जाता है, कौन सा नहीं चिपकता आपका, कॉपर होता है, इसको मैग्नेट नहीं अपनी तरफ खींच सकता। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ल्यूब्रिकेंट, तो मैंने बताया था ना एक मेटल होता है जिसको सॉलिड ल्यूब्रिकेंट में यूज़ करते हैं, उसका आंसर है ग्रेफाइट, क्या आंसर है उसका, ग्रेफाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे लिखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायमंड इज हार्डर देन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के अंदर डायमंड ग्रेफाइट से ज़्यादा हार्डर क्यों होता है, इसका आंसर है क्या उसमें एटम की डिफरेंस लेयर होती है, या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, या डिफरेंस ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की डिफरेंस की वजह से ही वो ज़्यादा हार्डर होता है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, वैसे इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन नीचे लिख दी है। चलिए आगे देखते हैं, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है वो जनरली फाउंड होती है नॉन मेटल के अंदर, नॉन मेटल में कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा पाई जाती है,
क्या उसमें कंडक्टिविटी होती है, वो मेटल की प्रॉपर्टी है। डक्टिविटी, वो भी मेटल की प्रॉपर्टी है। मेलेबिलिटी, ये भी मेटल की प्रॉपर्टी है। इसमें होता है ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस वो होता है जिसको हम लोग छोटे छोटे पीस में तोड़ सकते हैं ईजिली। तो मेटल, नॉन मेटल की यही प्रॉपर्टी होती है, उसको हम ईजिली तोड़ सकते हैं, लेकिन मेटल हार्ड होता है। तो इसका आंसर भी यही आएगा, डेट इज़ ब्रिटलनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये मैंने बताया था आपको फायर फाइटिंग जो क्लॉथ होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो आंसर होगा एस्बेस्टस। एस्बेस्टस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। माइका क्या होता है? ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था जब मेटल नॉन मेटल पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में पढ़ी हैं। कुछ हद तक मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अपने चैनल के ऊपर इसके मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक डाले हुए हैं। टेलीग्राम का चैनल है जिसके अंदर मैंने पीडीएफ के लिंक डाले, वो टेलीग्राम का चैनल मैंने अपने यूट्यूब के कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करेंगे 90 वाले पे, तो कुछ हद तक मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। 90 कुछ चैप्टरों के पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट हम लोग इसको पीडीएफ को ऐप में ही रखेंगे, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज करिए, तो काफ़ी सारे लेक्चर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे भी रखे हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। चलिए ये नंबर नोट कर लेना आप, इस पे मैसेज करोगे तो ऑटोमेटिक आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जियोलाइट इज क्या है? जियोलाइट आपका, तो जियोलाइट आपका ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। जियोलाइट क्या है इसको एक्सप्लेन, देखिए नीचे कुछ किया होगा मैंने, हाँ ये किया हुआ है। जियोलाइट क्या है? जो कि हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के काम आता है। इसका आंसर आपका बी पार्ट, डेट इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको एमसीक्यू से हेल्प मिलेगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जिसकी आपको एमसीक्यू से मदद मिलेगी, बाकी मैंने ऑलमोस्ट 90% आपको डिटेल में पढ़ा दी सारी बातें। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज कंटेंड इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल आपको पता है, जैसे आपके जो जितने भी प्लांट्स ग्रीन कलर, वो किसकी वजह से होते हैं? क्लोरोफिल की वजह से होते हैं। जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्लोरोफिल काम आता है। तो इसके अंदर होता आपका क्या? इसके अंदर होता आपका मैग्नीशियम होता है, आई थिंक डी, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, हाँ यही होता है मैग्नीशियम, ठीक है। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आगे भी आएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी आगे वही क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव? इसमें से कौन सा फास्फोरस का टाइप होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है? अभी मैंने बताया था वाइट वाला, जस्ट मैंने ऊपर बताया था वाइट वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगली क्लास में करेंगे बाकी वाले। मैग्नीशियम इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल ऑफ, किसके अंदर होता है? अभी आपको ऊपर क्वेश्चन आया था, अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन आया था क्लोरोफिल, क्लोरोफिल उल्टा क्वेश्चन पूछा था, वहाँ क्लोरोफिल देके आपको मैग्नीशियम पूछा था। चलिए बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन होकर लो, नेम द गैस यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसके लिए क्लोरीन गैस यूज़ होती है, क्लोरीन गैस इसकी यूज़ होती है, ये ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फॉस्फोरस को पानी के अंदर क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इट्स इग्निशन टेम्परेचर वेरी लो, इसका जो जलने का टेम्परेचर बहुत कम होता है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर होगा इसको आग लग जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा इस लेक्चर से। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जाए, और इसको कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगती है, बिलीव में बहुत मेहनत लगती है। सो हम चाहते हैं कि इसका हर एक बच्चा फ़ायदा उठाए, ठीक है, हर बच्चा इसका बेनिफिट उठाए। कंटेंट तो हमारा सबसे बेस्ट था ही, और हम चाहते हैं कि एमसीक्यूज भी हम सबसे अच्छा प्रोवाइड करें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।